Hi guys, my name is Siddhant and today I'm here to explain what is ProTrader membership. Although all details are on the website, agar aap peeche scroll karoge to aapko website pe sari details milengi. But let me explain you myself ki aapko is course mein kya milne wala hai. Because it is very important to understand ki aap jiske liye pay kar rahe ho, uske against aapko mil kya raha hai. So let's understand. Pehle to main hi bata deta hu ki ye course har ek insaan ke liye. Agar aap ek beginner ho, aapke liye bhi hai. Agar aap ek intermediate ho, tab bhi aapke liye. As long as you are not profitable, आपके लिए course है। अगर आप profitable हो, तो आपको कोई जरूरत नहीं इस course को join करने के लिए, because there is nothing new you are going to learn in this course जो आपको अभी नहीं पता है, ठीक है? Maybe मैं आपको कुछ नई strategies बताऊंगा जो आपको शायद ना पता हो, लेकिन आपके किसी काम के नहीं है, because अगर आपका जो trading setup पे आप काम कर रहे हो, वो already work कर रहा है, so I don't think you need to change that, okay? So let's move to the part where we understand कि क्या-क्या है course में। पहले तो स्टॉक मार्केट इंट्रोडक्शन। अगर आप एक बिगिनर हो तो आपके लिए हम स्टार्टिंग से एकदम स्क्रैच से आपको बताएंगे कि एबीसीडी इवन स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है। एवरीथिंग अबाउट स्टॉक मार्केट यू विल लर्न इन दिस स्टॉक मार्केट। इसमें आपको सब कुछ बताया जाएगा, जैसे आपको स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, पार्टिसिपेंट कौन से हैं, कितने टाइप की ट्रेडिंग होती है, जो छोटे मोटे जार्गन्स हैं, देन वी विल टॉक अबाउट शॉर्ट सेलिंग, मार्जिन, लेवरेज और क्या होता है ट्रेडिंग सेटअप। जो ट्रेडिंग सेटअप की बात लोग करते हैं वो एक्चुअली होता क्या है, मैं वो भी बताऊंगा आपको। नेक्स्ट इन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इंट्रो, इसमें मैं आपको समझाऊंगा कि आप अपने जो प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, मान लिया आपने ज़ीरोधा यूज कर रहे हो, आप अपस्टॉक यूज कर रहे हो, कोई भी ब्रोकर जो आप यूज कर रहे हो, उसको अच्छे से इस्तेमाल कैसे किया जाता है, ठीक है? कि ज़ीरोधा में अगर आप यूज कर रहे हो तो उसमें ऑर्डर कैसे प्लेस करोगे, बिकॉज लुक आप ऑर्डर प्लेस करना समझ जाओगे मे बी कहीं वीडियो देख के, लेकिन आपको कई चीजें जो नहीं समझाते हैं कि स्टॉप लॉस कैसे करते हैं, ट्रेल कैसे करते हैं, ठीक है? अगर कोई स्टॉप लॉस आपको गलत सेट हो गया तो उसको एग्जिट कैसे करते हैं, ये सारी चीजें आपको इसमें बताई जाएंगी। एंड वी विल कवर फोर प्लेटफॉर्म्स, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक एंड फायर्स। दिस इज रॉन्ग रिटन हियर, बट वी विल टॉक अबाउट फायर्स ऑल्सो, ओके? उसके बाद कैसे अलग अलग टाइप के ऑर्डर्स प्लेस करते हैं एंड कैसे आप इंट्राडे सीएनसी कवर ऑर्डर क्या होते हैं, सब चीजें की बात करेंगे एंड देन वी विल टॉक अबाउट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आल्सो, ओके? उसके बाद आता है द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ दिस कोर्स, प्राइस एक्शन, ठीक है? प्राइस एक्शन हम समझेंगे कि कैंडलस्टिक कैसे समझते हैं, पूरा डिटेल में कैंडलस्टिक के बारे में जानेंगे, हर टाइप के कैंडलस्टिक पढ़ेंगे, देन वी विल टॉक अबाउट कि वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम के एनालिसिस करेंगे, वी विल टॉक अबाउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इन डेप्थ, we'll talk about trend and type of trend. उसके बाद मार्केट में अगर गैप होता है तो आप गैप्स को कैसे हैंडल करोगे, मार्केट के फोर स्टेजेस होते हैं उनको अब मैं बताऊंगा आपको। फिर अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया ट्रेंड तो उसको टैकल कैसे करोगे, अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया रेंज बाउंड मूवमेंट आप उनको कैसे टैकल करोगे, देन we'll talk about कि रिट्रेसमेंट क्या होता है और ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट क्या होता है, इसके बारे में हम अच्छे से बात करेंगे। फिर We will understand कि supply and demand zone क्या होता है, and then there will be session जिसमें हम इन सब को combine करेंगे, इन सब को combine करके we will understand कि कैसे आप actual market में trade कर सकते हो, ठीक है? कैसे आप actual market में trade कर सकते हो, ये मैं आपको बताऊंगा। Then we'll talk about chart patterns, ठीक है? यहाँ पे chart patterns जितने लिखे हुए हैं आपको ये सब बताए जाएंगे, and some extra chart patterns जो मैं यहाँ पे reveal नहीं करना चाहता वो भी आपके पास होंगे। Then we'll talk about indicators, इंडिकेटर के एनालिसिस कैसे होती है, मूविंग एवरेज फिबोनाची ऐसा सब कुछ इसमें मिलेगा आपको। फिर हम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाएंगे। लुक ये सब तो आपको कह लो कि इंग्रेडिएंट है, ठीक है? ये सारे इंग्रेडिएंट हैं, इन सब को मिक्स करके आप एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाते हो, उस स्ट्रेटजी को आप अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे एग्जीक्यूट करते हो, वो स्ट्रेटजी हम यहां समझेंगे, ठीक है? अब ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अलग अलग तरीके की होती है, फॉर ऑप्शंस, फॉर फ्यूचर्स, फॉर मे बी इंट्राडे, फॉर मे बी आपका स्विंग ट्रेड, अलग अलग चीजों की अलग अलग होती है, वो सब हम समझेंगे इसमें। एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, वॉच लिस्ट कैसे बनती है, एज वेल एज आप अपनी ट्रेडिंग स्टाइल कैसे ढूंढ सकते हो, ठीक है? बिकॉज लुक अगर आप मेरी ट्रेडिंग स्टाइल या फिर किसी और की ट्रेडिंग स्टाइल कॉपी करते हो तो देर माइट बी पॉसिबिलिटी एंड आई विल से कि चांसेस हाई है कि आप सक्सीड नहीं करोगे, ठीक है? यू मस्ट फाइंड आउट योर ओन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी एंड दैट वी विल टीच यू इन दिस पर्टिकुलर थिंग। आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी स्टाइल फाइंड आउट कर सकते हो। देन कम फ्यूचर्स ऑप्शन में हम डेरिवेटिव्स बात करेंगे, टर्मिनोलॉजीज की बात करेंगे, देन कितने टाइप के डेरिवेटिव मार्केट होते हैं, अबाउट FNO, देन इंडेक्स मैनेजमेंट, देन वी टॉक अबाउट फ्यूचर्स एंड ऑप्शन। उसके बाद हम बात करेंगे कि आप बुलिश मार्केट में कैसे स्ट्रेटजी बना सकते हो, देन वी टॉक अबाउट कि आप बेरिश मार्केट में कैसे स्ट्रेटजी बना सकते हो, देन साइडवेज मार्केट में कैसे स्ट्रेटजी बना सकते हो, और हम हेजिंग की स्ट्रेटजीज भी पढ़ेंगे। इसी में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपनी मार्जिन रिक्वायरमेंट भी कम कर सकते हो। एवरीथिंग वी विल टॉक इन दिस वन।
फिर आता है आई थिंक इस सेशन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो कहीं नहीं मिलता है, ठीक है, विच इज रिस्क मैनेजमेंट। मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट साइकोलॉजी पे बहुत कुछ बताऊंगा, साथ ही साथ आपको मेंटर किया जाएगा। लुक, बताना इज समथिंग कि आपने सुन लिया, आपने कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया। दिस इज नॉट व्हाट गोइंग टू हैपन इन दिस कोर्स। आपको ये नहीं करना है और मैं आपको करने भी नहीं दूंगा। आपको कुछ रूल्स बताए जाएंगे, आपको कुछ चीजें बताई जाएंगी जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल योर्स, ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको इसमें ये बताता हूँ कि आप अपना अकाउंट, पूरा ट्रेडिंग सीखते वक्त भी अपना अकाउंट कैसे मैनेज कर सकते हो, और पूरा का पूरा कैपिटल आपका खत्म ना हो उसके लिए भी मैं आपको सही अलग अलग ट्रिक्स बताऊंगा, ठीक है। बहुत सी ऐसी ट्रिक्स हैं जिससे आप अपना ट्रेड भी कर सकते हो, ज्यादा आपका कैपिटल लॉस भी नहीं होगा, वो सब चीजें आपको इसमें बताई जाएंगी। देन हम फंडामेंटल एसेट्स की बात करेंगे कि आप कैसे कंपनीज को आइडेंटिफाई करोगे टू बाय फॉर लॉन्ग टर्म, ओके, फंडामेंटल एसेट्स भी होगा। उसके बाद हमारी जो स्पेशल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है उसकी बात हम करेंगे। फॉर ऑप्शन बाइंग हम फिबोनाची की स्ट्रेटजी बताऊंगा आपको, जिसमें आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दैट, ओके, स्पेशली फॉर ऑप्शन बाइंग। देन विल टॉक अबाउट एक्स कैंडल, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं जिनके पास ज्यादा टाइम नहीं है, अगर वो उनके पास सिर्फ आधा घंटा है, मान लिया मार्केट ओपन होने के बाद 9:30-9:30 तक वो ट्रेड कर सकते हैं, या फिर आप 9:45 तक ट्रेड कर सकते हैं, तो उनके लिए स्पेशली ये एक्स कैंडल स्ट्रेटजी बनाई गई जिसमें आप ट्रेड कर पाओगे विद इन आपका 30 मिनट आपको मूवमेंट मिल जाती है, ठीक है। देन हम ऑप्शन चेन एनालिसिस समझेंगे कि मार्केट डायरेक्शन कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। उसके बाद ये आपको ट्रेडर एक ग्रुप दिया जाएगा जिस ग्रुप में आप अपने अलग ट्रेडर से बात कर सकते हो, बिकॉज इंडिया में आई थिंक ट्रेडिंग इतना पॉपुलर नहीं है, स्टॉक मार्केट इतना पॉपुलर नहीं है, तो अपने आस पास ट्रेडर फाइंड आउट करना इज क्वाइट डिफिकल्ट। दैट इज वाई वी प्रोवाइड यू दिस ग्रुप, जिसमें आप अपने ऐसे लोगों से कनेक्ट कर सकते हो, यू कैन टॉक विद देम, यू कैन लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स, यू कैन शेयर योर मिस्टेक्स, ताकि वो आपकी गलतियों से सीख सके और उनकी कुछ जो खामियां हैं उससे आप कुछ नया सीख सको। ये सब चीजें आपको यहाँ पे सीखने को मिलेंगी। तो इसका प्रोसेस क्या है, आप कोर्स डिटेल चेक करो पूरा, आपने अगर पढ़ लिया तो, देन यू हैव टू पे द फीस एंड यू हैव टू रजिस्टर फॉर कोर्स, देन यू विल रिसीव लॉगिन आईडी पासवर्ड विद इन 24 आवर्स। फिर आपको रिकॉर्डेड कंटेंट देखने हैं जो इनिशियल बेसिस पे आपको मिलेंगे, ठीक है, वो रिकॉर्डेड कंटेंट देखने हैं आपको, और वीकली सेशन ज्वाइन करने हैं डाउट क्लियरिंग वगैरह, ठीक है, वो सब चीजें आपको ज्वाइन करनी है। ये है मोटा मोटा प्रोसेस, ठीक है। तो अगर आपको कोई और डाउट है तो आप डेफिनेटली यहाँ पे क्लिक करके अपने हमारे एग्जीक्यूटिव से बात कर सकते हो और आपको वहाँ से अपना स्लॉट भी बुक कर सकते हो। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कोर्स में। थैंक यू।